अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो क्या गिवन है, लेट कॉट कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स प्लस कॉस इनवर्स थ्री एक्स इज पाई एंड एक्स सेटिस्फाई दिस क्यूब देन ए प्लस बी प्लस सी। तो अपने कुछ जो दे रखा है वो लिख लेते हैं। क्या लिख रखा है, कॉट इनवर्स है कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स थ्री एक्स। देखो हमें एक्स में रिलेशन निकालना है तो मैं एक को इधर ट्रांसपोज कर देता हूँ क्योंकि, और अब दोनों तरफ कॉस ले लेता हूँ, बोथ साइड क्या लिख लेता हूँ कॉस लिख लेता हूँ, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स टू एक्स इज कॉस पाए माइनस कॉस इनवर्स थ्री एक्स। तो देखो अल्टीमेटली ये वाला सम एंगल थीटा वन है, ये भी एंगल सम थीटा टू है और ये सम एंगल थीटा थ्री है। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा टू माइनस साइन थीटा वन इंटू साइन थीटा टू, और राइट हैंड साइड कॉस पाए माइनस थीटा, कॉस पाए माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो अपने पास ये अपने पास आएगा माइनस कॉस थीटा थ्री। अब देखो अगर थीटा वन कॉस इनवर्स एक्स है तो कॉस थीटा वन एक्स हो जाएगा, कॉस थीटा टू टू एक्स हो जाएगा, माइनस साइन थीटा वन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और साइन थीटा टू वन माइनस टू एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आप सबको एकदम आता होगा कि कॉस थीटा अगर एक्स है तो साइन थीटा अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, कन्वर्जन हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो माइनस कॉस इनवर्स थीटा थ्री, अब जो कॉस थीटा थ्री है वो थ्री एक्स बनेगा, माइनस थ्री एक्स बनेगा। अब मैं इसका स्क्वायर करूँगा लेकिन डायरेक्टली स्क्वायर करने का फ़ायदा नहीं है, इसको ऐसे लिख लो टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। नाउ स्क्वायर करो, अब आप स्क्वायर करो, जैसे ही अब आप स्क्वायर करोगे तो बनेगा फोर एक्स, फोर एक्स की पावर फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो वन प्लस फोर एक्स की पावर फोर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये जो 4x की पावर 4 है वो दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है, वो दोनों तरफ क्या हो रहा है कैंसिल आउट, ये टर्म दोनों तरफ कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास ये ऐसे बन जाएगा 12x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और अपने को जो इक्वेशन दे रखी थी वो ये दे रखी थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस 1 0। तो बराबरी करेंगे, बराबरी करना तो आप सबको आता ही है कि ए को हमने 12 लिखेंगे, बी को 12 लिखेंगे और सी को क्या लिखेंगे 0। तो ए प्लस बी प्लस सी अपने पास जो नंबर है, बी को अपने को क्या लिखना पड़ेगा 14 लिखना पड़ेगा, सॉरी बी को क्या लिखना पड़ेगा 14। तो ए को 12, बी को 14 और सी को 0, तो इनका सम अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 26 इनका सम आ जाएगा जो ऑप्शन सी में गिवन है, और वही अपने पास आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन एकदम आसान था, कॉस इनवर्स 3x को दूसरी तरफ लेके गया, ट्रांसपोज किया, कॉस इनवर्स x को थीटा 1 बोला, कॉस इनवर्स 2x को थीटा 2 बोला। अब कॉस इनवर्स x अगर थीटा 1 है तो कॉस थीटा 1 x1 हो जाएगा, कॉस थीटा 1 x हो जाएगा और साइन थीटा 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को बस यूज़ किया है, फिर स्क्वायरिंग किया है क्वेश्चन।